गुड मॉर्निंग है सभी को। जैसा कि फिलहाल हम लोग निफ्टी को देख पा रहे हैं, निफ्टी में सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 15,900 पर, जो कि अभी अभी तुरंत क्रिएट हुआ है। ये पहले था 15,700 पर और 700 से शिफ्ट होकर के ये आ गया है 900 पर। रेजिस्टेंस की बात करें तो वो भी हमको 15,900 पर दिखाई दे रहा है। सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप था, अब भले ही आपको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है लेकिन वो एक्चुअली भी वीक टुवर्ड्स टॉप था क्योंकि नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 15,900 पर ऑलरेडी बिल्डअप्स बन रहा है और 16,000 पर रेजिस्टेंस है, तो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो इसलिए आज से चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 तो अभी फिलहाल आपको मना करती है कि आप ऐसा कोई ट्रेड करें। फिर भी हम और एडवांस लेवल पर जाकर इसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि बाजार किस दिशा में चलने की कोशिश कर रहा है। एक बात को याद रखिएगा, एक बात का ख्याल रखिएगा, बाजार में जो वीकली रेंज है वो वीकली रेंज 874 की है और बाजार 900 पर खड़ा है, तो ये क्रूशल लेवल है मार्केट में, बहुत क्रूशल लेवल है। जनरली हमको पता है कि 45 to 45 वीक्स के आसपास आउट ऑफ 52 वीक्स वीकली रेंज को मार्केट कभी क्रॉस नहीं करता, और करता हुए तो वहाँ से नीचे आ जाता है। अभी फिलहाल मार्केट में जो सिनेरियोस आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट हैवीली इंक्रीज हो रहा है और कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट हैवीली डिक्रीज हो रहा था। अभी थोड़ी देर हमको बहुत क्रूशली इसमें नज़र बना के रखनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप होने लगे और कॉल साइड में बिल्डअप होने लगे और 900 पर रेजिस्टेंस अच्छा क्रिएट हो जाए तो बाजार में एक गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो इस बात को लेकर के बेहद सावधान रहिएगा, बेहद सावधान, क्योंकि ये एक रेंज है, जो रेंज जो रेजिस्टेंस को मार्केट बहुत रेस्पेक्ट करेगा। अगर इससे ऊपर निकल गया तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, फिर तो 16,000 निकल जाएगा, फिर 300, 500, 400 पॉइंट्स भी वहाँ से ऊपर निकल सकता है पेयर के बराबर। लेकिन इस रेंज में फंसा हुआ बाजार गिरावट दिखा सकता है, और वो अगर गिरावट आई तो वो गिरावट पूरे वीक रहेगी, मतलब पूरे हफ्ते बाजार इस रेंज से बाहर नहीं निकल पाएगा, इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाएगा ऊपर की तरफ। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अभी फिलहाल बिल्डअप्स के अकॉर्डिंग छोटे छोटे कंसोलिडेटेड ट्रेड से, कंसोलिडेटेड भी नहीं है क्योंकि बाजार में कॉल साइड आप देखेंगे तो थोड़े से बिल्डअप्स होने लगे हैं 15,900 पर, और पुट साइड देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा बिल्डअप्स ड्रॉप होने लगा है। तो इस हिसाब से अभी फिलहाल ज़्यादा कुछ ट्रेड लेने के लिए नहीं बन रहा है, थोड़ा आपको वेट करना चाहिए, वेट करके सिनेरियोज़ का वेट करना चाहिए, सिनेरियोज़ क्रिएट होने देना चाहिए। सपोर्ट अगर यहाँ बना हुआ है तो थोड़ी देर वेट एंड वॉच करके देख लीजिए कि क्या ये सपोर्ट और स्ट्रांग हो रहा है या वीक होता चला जा रहा है। रेजिस्टेंस 15,900 पर अगर क्रिएट हो रहा है तो थोड़ी देर और देख लीजिए क्या वो माइनस होना शुरू हो गया। इसमें आपको 15,950 का कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट चेंज बहुत हेल्प करेगा। अगर 950 में कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट चेंज में कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट अगर ड्रॉप होना शुरू हो गया 950 में, तो बाजार ऊपर की तरफ जाने की संभावनाएं रखता है। या फिर अगर 950 में और 850 पुट साइड आपको मदद करेगा, अगर 850 ड्रॉप होना शुरू हो गया तो बाजार नीचे गिरने की संभावनाएं रखता है। तो ऐसे करके आप आगे की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ से जजमेंट लेना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है कि यहाँ से इतना टाइम क्या जजमेंट लिया जाए, थोड़े से और बिल्डअप होने का वेट करिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा कि आपको क्या करना है, बुलिश रहना है या बेरिश रहना है मार्केट में। वीकली रेंज सबसे बड़ा खतरा है जिसके कारण थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एज यू कैन सी निफ्टी 15,900 इज सपोर्ट एंड 16,000 इज रेजिस्टेंस। एज यू सी सपोर्ट वाज एट 15,700 एंड इट वाज शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप टू 900। रेजिस्टेंस इज एट 16,000 एंड अ फ्यू बिल्ड अप यू कैन सी एट 15,900। इन्वेस्टिंग डैडी के जरिए 10,000 से ज्यादा लोग लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। इन्वेस्टिंग डैडी की इस कामयाबी के पीछे है फाउंडर और CEO विनय प्रकाश तिवारी। स्टॉक मार्केट प्रैक्टिशनर के तौर पर शुरुआत करने वाले विनय सेबी से मान्यता